हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं एक नई वीडियो और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा गाइस। आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने कॉलेज यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट। तो बने रहे हमारे साथ और हम आपको पूरे फैकल्टी ऑफ आर्ट की सैर कराते हैं। चलो फिर मिलते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट। तो गाइज़, हम इस वक्त जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट के पास खड़े हुए हैं। यहाँ हम इस वक्त इस वीडियो के अंदर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट की जो अंदर का उसकी तस्वीर है और उसका एनवायरनमेंट है और इसके अंदर जो कुछ खसूसियात हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ से एंट्री गेट है, अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो के साथ मिलते हैं। अब हम फैकल्टी के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जब हम फैकल्टी के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने सबसे पहले जो हमें एक स्टैचू नज़र आता है, वो स्टैचू स्वामी विवेकानंद का है। कैंपस पूरी हरियाली से भरा पड़ा है, हर तरफ पेड़ पौधे और दरख्त लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कैंपस काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। आइए आपको हम अपना डिपार्टमेंट दिखाते हैं, यानी सेंट्रल बिल्डिंग जहां हमारी क्लासेस होती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन, जहाँ पे स्टूडेंट लंच करते हैं।
अब यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना ज़रूरी है। एंट्री करते ही लाइब्रेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको सामने नज़र आएंगे। तो गाइस, इस वीडियो के ज़रिए उम्मीद है कि आपको कॉलेज की खूबसूरती और इसके अंदर जो फैसिलिटी है वो पूरे तौर से समझ में आ गई होगी। अगर ये कॉलेज आपको अच्छा लगता है तो अगर आप आर्ट्स से मास्टर डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ज़रूर एडमिशन लें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।